मुझे ये बताइए कि आपके परिवार ने आपकी राय पूछने के बाद क्या इस रिश्ते के लिए हाँ कहने का मन बनाया, या कि हाँ कहने का मन बनाने के बाद आपसे आपकी राय पूछी? कि मुझसे इस बारे में कोई भी बात किए बिना ही सब लोग तैयार हो चुके थे। फिर तो आपके सामने एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं, वहां पर अपने परिवार वालों की, अपने बड़ों की बात काटना बहुत गलत माना जाता है। तो डॉक्टर जगदीश, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए कही क्योंकि आपका परिवार पहले ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया था और आप उनके खिलाफ जाकर उन्हें और दुख और तकलीफ नहीं देना चाहते थे? अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है डॉक्टर जगदीश। प्लीज टेल द ट्रूथ, क्या आपने अपने परिवार वालों की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कहा, या फिर आपके मन में ऐसा ख्याल आया क्यों न सांची जैसी एक मॉडर्न, स्टाइलिश और शहरी लड़की के साथ एंगेजमेंट कर ली जाए और थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फासिल दोस्त मेरी क्लाइंट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर जगदीश, आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़की को लेकर ऐसा घटिया ख्याल कभी नहीं आया मेरे दिमाग में। सांची तो परिवार का हिस्सा है, उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता था मैं। जब मुझे पता चला कि दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो चुके हैं और काफी खुश हैं, तो मुझे लगा कि उनकी खुशी, उनके फैसले का मुझे सम्मान करना चाहिए। और बस यही बात को सोचते हुए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। डॉक्टर जगदीश ने इस रिश्ते के लिए हाँ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कहा, अपनी मर्जी से नहीं। जितना हम गंगा के बारे में अब तक जानते हैं, तो जब वो आपसे मिली तब वो एक ऐसी बेसहारा महिला थी जिनका पहली शादी से एक बच्चा था और जो जीने की उम्मीद तक खो चुकी, और ऐसे में आपने उन्हें सहारा दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाया, उनके जीवन को एक नई दिशा दी, उन्हें जीने का एक नया मकसद दिया। एंड आई एम श्योर, अगर कोई इंसान किसी के लिए इतना सब कुछ करता है तो वो इंसान बिना कोई सवाल किए मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। जो मैं उससे मांगूंगा मुझे दे देगा, अपनी जान भी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसी बेवकूफी क्यों की? उदयपुर के कलेक्टर साहब की बहन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी भी कर ली, और जब तक आपका मन करता गंगा के साथ संबंध भी बनाए रख सकते थे। बहुत लोग करते हैं ऐसा, अगर आप ऐसा करते तो इस मुसीबत में भी नहीं फंसते और आपकी जिंदगी में भी ऐश होती, आपके दोनों हाथों में लड्डू वाली पोजीशन हो जाती। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो औरत को उस नजर से देखते हैं। जैसा कि मिस्टर जिंदाल ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मेरे लिए औरत कोई इस्तेमाल की चीज नहीं है, रिश्ता बनाने और रिश्ता निभाने के लिए लायक इंसान है। यानी आप वाकई गंगा से प्यार करते थे, सच्चा प्यार? जी नहीं, मैं गंगा से प्यार करता था नहीं, मैं प्यार करता हूं। फिर आपने पहले अपने प्यार का इजहार उनसे क्यों नहीं किया? मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ तब मेरी सगाई हो चुकी थी सांची के साथ। फिर अपनी खुशी के लिए मैं सांची की जिंदगी और उसकी खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकता था। पॉइंट नोट किया जाए। और
मिस सांची से किया गया कमिटमेंट और उनके लिए फिक्र ही वो वजह थी जिसके चलते डॉक्टर जगदीश ने अपने प्यार का एहसास होने के बाद भी अपने प्यार का इजहार गंगा से नहीं किया और मिस सांची से जुड़े अपने रिश्ते को निभाने का फैसला किया। और वो ये भी जानते थे कि उनका उठाया हुआ ये कदम ना ही सिर्फ मिस सांची को तकलीफ देगा बल्कि दोनों परिवार जिनके बीच बहुत मधुर संबंध थे उसमें भी कड़वाहट भर देगा। लेकिन योना इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसकी वजह से डॉक्टर जगदीश के विचारों में परिवर्तन आया जब उन्होंने मिस सांची को अपने दोस्तों से अपने परिवार अपने गांव वालों और उनके खुद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुना उनके विचार जाने और तब उन्हें असलियत के बारे में पता चला। मिस सांची डॉक्टर जगदीश से प्यार तो करती थी लेकिन उनके घर वालों के लिए उन्हें कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उनके मन में उनके लिए जरा सा भी सम्मान था। तब डॉक्टर जगदीश को यह एहसास हुआ कि इस रिश्ते से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना तो सांची खुश रहेगी ना वो और ना ही उनके परिवार वाले। तब जाकर उन्होंने यह फैसला किया कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने सांची से अपना रिश्ता तोड़ा और फिर जाकर गंगा से अपने प्यार का इजहार किया। लेट मी करेक्ट यू मिस्टर काबरा, आपके मुवक्किल ने तो प्यार का इजहार किया ही नहीं, बिना किसी को इन्फॉर्म किए बिना कुछ बताए सबके सामने गंगा की मांग में सिंदूर भर दिया और उससे शादी कर ली और गंगा ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब गंगा ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर यह सोचा जाए कि यह डॉक्टर सिंह की सोची समझी चाल नहीं थी और इस चाल में गंगा भी शामिल नहीं थी तो फिर उसने विरोध क्यों नहीं किया, उसने सवाल क्यों नहीं उठाया? माननीय जिंदाल साहब, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। आपने अभी अभी ये कहा कि डॉक्टर जगदीश ने अचानक ही बिना किसी से कुछ कहे बिना किसी से कुछ पूछे गंगा की मांग में सिंदूर भर दिया, तो फिर गंगा को समय कहां मिला कि वो उनसे कुछ सवाल पूछ सके? एंड लेट मी टेल यू मिस्टर जिंदाल, डॉक्टर जगदीश के अचानक लिए गए इस फैसले से उनके परिवार को भी उतनी ही ठेस पहुंची जितना कि मिस सांची और उनके परिवार को, और इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर जगदीश और गंगा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और उनके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। और अगर डॉक्टर जगदीश एक शातिर इंसान होते और ये सब एक साजिश प्लानिंग के तहत किया गया होता तो क्या ऐसा होता? मैं ये कहना चाहता हूं योना कि यह किसी धोखेबाजी या साजिश का केस नहीं है, यह मिस सांची के एक तरफा प्यार का मामला है और जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर जगदीश पर खुद को थोपने की कोशिश की और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उस फ्रस्ट्रेशन के चलते उस नाकामयाबी को बर्दाश्त न कर पाने के चलते उन्होंने मेरे क्लाइंट डॉक्टर जगदीश से बदला लेने के लिए उन पर यह झूठा मुकदमा दायर किया। एंड लेट मी टेल यू मिस्टर जिंदाल, जिन फोन कॉन्वर्सेशंस की आप बात कर रहे थे उसके डिटेल्स मेरे पास भी मौजूद हैं और अगर आप उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर दोनों के बीच 100 बार फोन कॉन्वर्सेशंस हुई हैं उसमें से 99 बार फोन सांची ने डॉक्टर जगदीश को किया है, मुश्किल से एक बार डॉक्टर जगदीश ने सांची को फोन किया होगा और रही बात बार बार उदयपुर जाकर सांची से मिलने की तो उसके रिकॉर्ड्स भी हैं मेरे पास जिसमें यह साफ है कि डॉक्टर जगदीश कितनी बार किस किस वजह से उदयपुर गए। और उसमें गौरतलब यह कि एंगेजमेंट के बाद डॉक्टर जगदीश सिर्फ एक बार सांची से मिलने के लिए उदयपुर गए थे और वो भी तब जब मिस सांची एक छोटे से एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई थी और उनकी माताजी मिसेस ईरा आलोक शेखर ने इंसिस्ट किया था कि वो आए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर,
अब मैं अपनी क्लाइंट मिस सांची को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।